पुलिस अलर वाला ये सोचे ठीक है मान लिया कि गिल्ली आ रही है, गिल्ली वैसे कह लेंगे भाई गिल्ली है। देखिए हमारे ऑक्शन रिकॉर्डर्स की रिपोर्ट के आधार पे ये तीन दुकानें हैं जहां से फर्जी गेट पासेस मिले हैं। दुकान नंबर 173 है, एक तो एक श्री भगवान ट्रेडर्स नाम की शॉप है और एक दुकान नंबर 213 है जिसमें से कुछ सस्पिशियस से गेट पासेस हमें बरामद हुए हैं। उस ऑक्शन रिकॉर्डर्स की रिपोर्ट के आधार पे हमने पुलिस थाने में भी इनकी शिकायत दे दी है कि पुलिस प्रॉपरली इसको जांच पड़ताल करके और दोषियों के खिलाफ केस रजिस्टर करे। तो सभी आड़ती हैं? जी सभी आड़ती। तो किस तरह का गलत इस्तेमाल करते हैं फर्जी गेट पास से? देखिए फर्जी गेट पास सबसे पहली बात तो जो अराइवल आ रहा है उसको गेट पास मिलना चाहिए। फर्जी गेट पास के कई अर्थ हो सकते हैं, या तो अराइवल नहीं है तब भी गेट पास इशू किया जा रहा है, किसी और की ढेरी है उसके ऊपर आपने अपना गेट पास दिखा दिया गया है। एक तरीके से सरकार को चूना लगाने वाली जो प्रैक्टिस है उसको अंजाम दिया जा रहा है, बट इससे ज़्यादा और भी इसके पीछे क्या है पुलिस अपनी छानबीन में पता लगाएगी कि इसमें आड़तियों की ही इन्वॉल्वमेंट है या दफ्तर के भी कुछ लोग शामिल हैं, राइस मिलर्स का भी इसमें क्या रोल है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद केस रजिस्टर करेगी, हमने ऐसा उनको रिक्वेस्ट किया। तो बीजेपी नेता भी है इसमें एक आड़ती जो 199 में, मैं इसके बारे में नहीं कमेंट। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी जी, मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनके अपने क्षेत्र में उनकी पार्टी का आदमी अगर इस प्रकार की बात करता है, फर्जी पास धान घोटाला पहले भी पिछले साल भी इसी प्रकार हुआ था कि ये क्या करते हैं कि यहाँ से तो फर्जी बिल ले लेते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश से चावल लगा के ला देते हैं, इसलिए हमारे किसान की बेकदरी हो रही है।